नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल हरिओम स्टडी एजुकेशन में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास नाइन्थ मैथ अभ्यास 6 प्रश्नावली 6.1। तो प्रश्नावली 6.1 का ये पांचवा प्रश्न है, जो कि 1 से 4 तक के प्रश्नों को हम लोग ने इसके पहले वीडियो में सॉल्व कर चुके थे। तो चलिए आज के पांचवें प्रश्न को सबसे पहले पढ़ेंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो चलिए पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि आकृति 6.17 में पी ओ क्यू एक रेखा है, किरण ओ आर रेखा पी क्यू पर लंब है, किरणों ओ पी और ओ आर के बीच एक अन्य किरण है, सिद्ध कीजिए कोण आर ओ एस बराबर हाफ कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस। ठीक है, चलिए समझ लेते हैं। अब कह रहा है कि आकृति 6.17, ये जो आपके सामने आकृति दिखाई दे रही है यह 6.17 आकृति है। ठीक है, अब उसके आगे कह रहा है कि पी ओ क्यू एक क्या है, रेखा है, पी ओ क्यू एक रेखा है। उसके आगे कह रहा है कि किरण ओ आर रेखा पी क्यू पर लंब है। किरण ओ आर यानी इस किरण की बात हो रही है, इस लाइन की बात हो रही है जो लंबवत है, यहाँ पर ओ आर, इसका नाम ओ और आर है, जो कि पी क्यू पर क्या है, लंब है। उसके बाद कर रहा है किरणों ओ पी और ओ आर के बीच एक ओ एस अन्य किरण है, ओ पी यानी इस लाइन यहाँ से यहाँ तक और उसके बाद ओ आर यहाँ से यहाँ तक, इसके बीच एक अन्य किरण है जो कि नाम है ओ एस, ओ एस ये अन्य किरण है, इस कोड की बात हो रही है यहाँ से इस लाइन। उसके आगे कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कोड आर ओ एस बराबर हाफ कोड क्यू ओ एस माइनस कोड पी ओ एस। ठीक है, यानी देखिए ध्यान से समझिए, आर ओ एस यानी इस कोड की बात हो रही। ठीक है, आर ओ एस यही तो है, आर ओ एस। ठीक है, इस कोड की बात हो रही। उसके बाद कर रहा है बराबर, ये बराबर है यानी आर ओ एस बराबर है, किसके बराबर है, वन हाफ यानी आधा हाफ कोड क्यू ओ एस, क्यू ओ एस यानी इस पूरे कोड की बात हो रही यहाँ से यहाँ तक की। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की पूरे कोड की बात हो रही है। उसके बाद कह रहा है कि माइनस यानी इस पूरे कोड में से घटा दें, कौन सा कोड, कोड पी ओ एस, पी ओ एस यानी इस कोड को घटा दें, इस पूरे कोड में से इस कोड को घटा दें तो ये कोड बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे कि हल, यहाँ से हल स्टार्ट होता है और लिख देंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे कि दिया है, नीचे लिखेंगे दिया है। अब क्या क्या दिया है ये तो लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने लिख दिया है यहाँ पर कि दिया है। अब क्या लिखेंगे, देखिए ओ आर जो है एक लंबवत है यानी लंब है, और किस पर है, पी क्यू पर है यानी रेखा पी क्यू पर एक लंब है ओ आर, लंब मीन्स 90 अंश, लंब का मतलब ही 90 अंश होता है। ठीक है, तो वही चीज हम यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देंगे कि ओ आर लंब है पी क्यू पर। ठीक है, और इसे दे देते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट, क्योंकि हमें इसे आगे जरूरत पड़ेगी। ठीक है, आगे हल करने में जरूरत पड़ेगी इस समीकरण का। अब आगे हमें क्या क्या सिद्ध करना है उसे लिख लेते हैं। ठीक है, तो क्या क्या सिद्ध करना है चलिए लिख लेते हैं। यहाँ पर लिख देंगे कि सिद्ध करना है। अब का सिद्ध करना है ये तो लिखना ही पड़ेगा। यहाँ पर लिख दिया, देखिए साफ साफ स्पष्ट कर दिया है कि सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, कोड आर ओ एस बराबर हाफ कोड क्यू ओ एस माइनस कोड पी ओ एस।
यही चीज हमें यहाँ पर पूरा पूरा उतार देना है, क्योंकि यही चीज हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। हाफ ब्रैकेट में कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस, ठीक है। अब उसके बाद लिखेंगे कि अब सिद्ध करेंगे यहाँ से, ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। यहाँ से सिद्ध हो गया। तो यहाँ पर आकृति में देखिए कि पी ओ आर, ये इस कोण की बात हो रही है, पी ओ आर यानी इस कोण की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद बराबर किसके बराबर है, कोण पी ओ आर किसके बराबर है, क्यू ओ आर के, क्यू ओ आर के बराबर। तो यही है, यहाँ पर भी 90 अंश का कोण बन रहा है और यहाँ पर भी बन रहा है, दोनों तरफ क्या बन रहा है, 90 अंश का कोण बन रहा है, तो दोनों बराबर होंगे, ठीक है। और दोनों कोणों का मान कितना होता है, 90 अंश होता है। इन दोनों कोणों का मान कितना है, यहाँ पर भी 90 अंश बन रहा है और यहाँ पर भी 90 अंश बन रहा है। तो यहाँ पर वही चीज लिख देंगे कि कोण पी ओ आर, पी ओ आर बराबर, कोण पी ओ आर बराबर क्यू ओ आर बराबर 90 अंश। अभी इसका कारण दे देते हैं, ये कहाँ से आया है, तो ये समीकरण नंबर 1 से आया है, क्योंकि समीकरण नंबर 1 देखिए एक ही पर तो है लंबवत। यहाँ पर ओ आर जो किरण है पी क्यू पर लंबवत है, और यही लंबवत के बारे में, लंब के बारे में ही बताया गया है, ठीक है। यहाँ पर 90 अंश का ही बन रहा है ना, तो यहाँ पर 90 अंश का जब बन रहा है तो इसी कोण के बारे में बात की गई है, तो यहाँ पर ये समीकरण नंबर 1 से आया है। यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण नंबर 1 से। अब आगे देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए पी क्यू रेखा पर हमें पी ओ आर जो कोण है, यहाँ पर दो कोण बन रहे हैं, यहाँ पर एक यह और एक यह, ठीक है। तो इन दोनों कोणों का योग, या मान लीजिए कि इसको क्या इस तरह से हम लिख सकते हैं, कोण पी ओ यस धन आर ओ यस, दोनों कोणों का योग, दोनों कोण को जोड़ देंगे तभी तभी तो बनेगा पी ओ आर, ठीक है। इन दोनों यहाँ से यहाँ इस कोण को और इस कोण को जब जोड़ेंगे तभी तो हमारा पूरा ये कोण बनेगा, तो इसको इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। इसको कोण हम पी ओ यस धन आर ओ यस लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए लिख लेते हैं, धन कोण पी ओ यस धन कोण आर ओ यस बराबर, ठीक है, बराबर यहां पर लिख देंगे कि कोण क्यू ओ यस, क्यू ओ यस माइनस कोण, उसके बाद घटाना है कोण आर ओ यस, आर ओ यस इस कोण को इसमें से घटा देना। उसके बाद देखिए अब सिंपली कुछ करना नहीं, इसको सॉल्व कर देना है। तो यहाँ पर कोण पी ओ यस जैसे का वैसे, अब धन आर ओ यस ये जैसे का वैसे उतार देंगे। अब देखिए यहाँ पर कोण आर ओ यस इधर माइनस का है, बराबर की इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो आर ओ यस बराबर कितना बच गया हमारा, कोण क्यू ओ यस, ठीक है। अब यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर आर ओ यस एक कोण है और यहाँ पर भी एक आर ओ यस कोण है, यानी दो आर एस कोण, टू आर ओ यस बराबर कोण क्यू ओ यस माइनस माइनस। अब यहाँ पर आप सोचते होंगे क्यों माइनस हो गया, तो ये जो कोण पी ओ यस है बराबर किस तरफ पक्षांतर करेंगे, तो इधर प्लस का है तो इधर जाएगा तो माइनस में होगा, ये तो जाहिर सी बात है। तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस कोण पी ओ यस, ठीक है। अब उसके बाद लिखेंगे नीचे कि यहाँ पर लिख देंगे कोण
आर ओ एस बराबर, ये इधर गुड़े में है बराबर के इस तरफ राइट हैंड साइड के तरफ पक्षांतर करेंगे तो भाग में बदल जाएगा, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस, ठीक है, जो कि हमें सिद्ध करना था, यही यहाँ पर देख लीजिए, कोण आर ओ एस बराबर 1/2 ब्रैकेट में कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस, ठीक है, यही को हमें सिद्ध करना था, प्रूव करना था, और ये हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया, ये हो गया इसका आंसर। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 5 को हम लोगों ने बड़े आसानी से सॉल्व कर लिया था। ये प्रश्न बहुत ही आसान था और इसे हम लोगों ने बड़े आसानी से सॉल्व कर लिया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए आपका प्रेम पूर्वक धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।